हेलो डियर स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन का ये लेक्चर नंबर 20 है और इसमें हम लोग एक टॉपिक ये डिस्कस करने जा रहे हैं जो मेनली है ना आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस और नीट में इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आईआईटी के सिलेबस को ध्यान रखते हुए ये एडिशनल लेक्चर है। क्या है इसमें वो देखते हैं कि दैट इज़ अ डिटर्मिनेशन ऑफ आर एल वी पी। आर एल वी पी आपको पता ही है, दिस इज़ द वन ऑफ द कॉरिलेटिव प्रॉपर्टीज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आर एल वी पी कैसे निकालते हैं और इस मेथड का नाम है ओस्टवाल्ड वॉल्कर मेथड। ठीक ना, एग्जैक्ट इसमें क्या है वो आपको बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन करने में मैं आपको बताऊँगा, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेगा। बस थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट डील कर दे रहा हूँ, उसके बाद से इसके क्वेश्चन करना और भी आसान होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। कॉन्सेप्ट बेटा, कॉन्सेप्ट आपके सामने जो है यहां पर कि एक कंटेनर आपको दिख रहा है, सामने एक कंटेनर है जिसमें सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन में जाहिर सी बात है सोल्यूशन किसका होगा, तो भाई सॉल्वेंट होगा, वाटर और कोई ना कोई सल्यूट होगा। और सल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल। ठीक है, अब जाहिर सी बात है वाटर तो क्या है, पर वाटर इज वोलाटाइल। तो वाटर अगर वोलाटाइल है तो वाटर के वेपर क्या होंगे, यानी सोल्यूशन का वेपर क्या होगा, ऊपर प्रेजेंट होगा। तो देखिए ये आपको वेपर दिख रहा है, ओके ये वेपर दिख रहा है आपको। तो इस तरह का ये कंटेनर है जिसमें सोल्यूशन है और सोल्यूशन का क्या होगा, वेपर प्रेशर डेफिनेटली ऊपर होगा। ठीक है, और जो वेपर प्रेशर है, मान लीजिए सोल्यूशन अगर ए है तो वेपर प्रेशर, वेपर का जो वेपर प्रेशर है उसको मैंने क्या बोल दिया, पी ए। तो पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। इतनी बात तो आप समझ ही रहे हैं, पढ़ ही चुके हैं सब। अब इसमें एक नया काम क्या कर रहा हूँ कि इसमें मैंने देखिए दो पाइप लगा दिए हैं, एक पाइप से जैसे पाइप वन है और एक पाइप टू है। पाइप वन से हम एयर, ड्राई एयर, कैसा एयर, ड्राई एयर। ड्राई एयर मतलब कि एकदम बिल्कुल सूखा है, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। तो ड्राई एयर मैं एक तरफ से पास करा रहा हूँ और ड्राई एयर क्या होगा, सोल्यूशन के वेपर से होते हुए और फिर से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब ड्राई एयर आप अंदर डालेंगे और जैसे जाएगा तो वो क्या करेगा, वो ड्राई एयर ड्राई तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ अमाउंट क्या करेगा, वाटर वेपर का जो ड्राई एयर है वो निकलते हो क्या हो जाएगा, वेट एयर, या बोलिए क्या, मॉइस्ट एयर, है ना। और इस प्रोसेस में वो क्या करेगा, इस प्रोसेस में ये करेगा कि कुछ ना कुछ वो वाटर वेपर उसके साथ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मॉइस्ट एयर क्या होगा, बेसिकली इट इज ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। अब हुआ क्या कि अब दूसरा काम, क्योंकि जैसे ही इसने क्या किया, वाटर वेपर क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर से क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ क्या होगा, वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर इनिशियली ड्राई एयर का प्रेशर अगर पी था, तो वेट एयर का प्रेशर क्या होगा, दैट इज प्रेशर पी प्लस पी ए। वेटर का प्रेशर क्या होगा, पी प्लस पी ए, और पी ए क्या है, दैट इज अ वेपर प्रेशर। यानी कि आप ऐसे बोलिए कि प्रेशर बढ़ा क्या, तो जो प्रेशर वेपर प्रेशर होगा, कोई भी अगर आप ड्राई एयर अंदर डालेंगे या कुछ भी अगर अंदर डालें तो बाहर निकलते वक्त वो प्रेशर क्या है, एडिशनल बढ़ेगा, तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे क्या हो रहा है कि प्रेशर जो बढ़ गया है एडिशनल, यानी वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण सोल्यूशन में से कुछ वाटर लॉस होगा, है ना। यहाँ क्या होगा, वाटर लॉस बाई सोल्यूशन, है ना। तो अगर इसको हम पी वी इक्वल टू एन आर टी, हमारे पास फॉर्मूला है, तो P इज इक्वल टू
मास अपॉन मोलर मास आर टी अपॉन वी। अब इसमें देखिए कि मोलर मास तो फिक्स ही है, वॉल्यूम फिक्स है कंटेनर का, टेम्परेचर आर कांस्टेंट है, तो जो प्रेशर जो बढ़ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वो मास है। यानी कि जो प्रेशर जो एडिशनल जो वेपर प्रेशर एडिशनल बढ़ा है उसके कारण क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि उस एयर ने उसी मास के प्रोपोर्शनेट में क्या कर लिया है, प्रेशर को इंक्रीज कर लिया है। ओके तो ये मास कहाँ से लॉस होगा, तो प्रेशर बढ़ने का रीजन क्या है, मास, एडिशनल वाटर जो ऐड हुआ है, और वो कहाँ आपको रिफ्लेक्ट होगा, तो ये वही मास है जो सोल्यूशन का क्या हो रहा है, रिड्यूस हुआ। ओके तो जैसे आपने ड्राई एयर ओवरऑल क्या निकल कर आया, मोटा मोटा बात, तो मोटा मोटा बात ये निकल कर आया, क्या निकल कर आया कि जैसे आपने ड्राई एयर क्या किया, पास किया, उससे जो सोल्यूशन है उसमें मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और जो मास डिक्रीज हुआ है वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतनी बात इसमें से आगे इतना समझ में आ गया, तो ये तो इतनी समझने वाली बात है, बट कॉन्सेप्ट जब हम लोग लगाएंगे तो बहुत आसानी से ये चीज़ें आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ओके तो क्लियर। तो ड्राई एयर जब भी हम सोल्यूशन से पास कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा, तो जब एयर निकलेगा या कोई भी एयर पास करेंगे तो एयर का एडिशनल प्रेशर क्या होगा, तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर वही ऐड जाएगा, और उसी के प्रोपोर्शनेट में मास क्या होगा, वहां लॉस हो रहा है। ठीक, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बातें और समझ में आएंगी। अब देखिए क्या है, ये दो कंटेनर हैं, अब इस बार दो कंटेनर, इसको कंटेनर वन बोल दीजिए, इसको कंटेनर टू बोल दीजिए। अब यहां क्या बोल रहा है, जाहिर सी बात है कंटेनर कनेक्टेड होंगे, ये आपस में कनेक्टेड है, दोनों कंटेनर कनेक्टेड, एक पहले कंटेनर में सोल्यूशन है, दूसरे कंटेनर में सॉल्वेंट है, पहले कंटेनर में सोल्यूशन है, दूसरे कंटेनर में सॉल्वेंट है, और ड्राई एयर पहले कंटेनर में पास किया गया। अच्छा, पहले कंटेनर का वेपर प्रेशर कितना होगा, पी है, और दूसरे का कितना होगा, पी नॉट है, इतना तो क्लियर है। अब क्या बोल, अब मतलब कि मैं भी समझा रहा हूँ, अब मैंने क्या ड्राई एयर पास किया तो क्या होगा, ड्राई एयर जैसे ही पास हुआ पहले कंटेनर से निकलेगा बाहर, ये ऐसे अंदर घुसा और जैसे ही क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, तो अब ड्राई एयर में एडिशनल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो वो होगा पी ए, निकलने के बाद प्रेशर क्या होगा, पी, अब ये ड्राई नहीं हो गया, अब ये मॉइस्ट हो गया, एडिशनल प्रेशर क्या होगा, पी होगा, समझ में आ रहा है। तो अब क्या हुआ है कि जब प्रेशर बढ़ा ना, ड्राई एयर का प्रेशर पी था, अब यहाँ क्या, ये पी, यहाँ प्रेशर पी था, ये पी प्लस पी ए हो गया है, जब कंटेनर से निकला है तो प्रेशर बढ़ा है बेटा, तो अगर प्रेशर बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि कंटेनर वन में, कंटेनर वन में क्या हुआ होगा, मास क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, तो वेट लॉस इन कंटेनर वन, और वो मान लीजिए रखा कितना, एक्स ग्राम, कि एस ग्राम वेट क्या हुआ, लॉस हो गया, इतना क्लियर। फिर बोल रहा है कि अब ये जो मॉइस्ट एयर है, अब वो फिर सोल्यूशन से जाएगी, पास होते होते फिर ये निकलेगी, ये मॉइस्ट एयर, लेकिन अब क्या है, अब आपको पता है कि पी ए तो छोटा है, पी नॉट ए तो बड़ा है, तो निकलते वक्त क्या प्रेशर होगा, हमेशा निकलते वक्त जो वेपर प्रेशर होता है वो होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए है, तो अब जो होगा वो कितना होगा बेटा, पी नॉट ए होगा। ठीक, ओके, अच्छा, अब आपको पता है कि पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए, तो वेपर प्रेशर और ज्यादा हो गया है, इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा, अगेन वेट लॉस इन कंटेनर सेकेंड, और मान ली वो दे रखा कितना, वाई ग्राम। ओके तो ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में से कि वेट लॉस इन कंटेनर वन एक्स ग्राम, वेट लॉस इन कंटेनर सेकेंड इज वाई ग्राम, दोनों वेट लॉस क्यों हो रहा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके अच्छा, अब कंटेनर वन
में जो अभी हमने पढ़ा कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो कंटेनर वन के लिए क्या रिलेशन होगा, तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। कंटेनर टू में क्या है भैया, तो कंटेनर टू में जो मास का लॉस हुआ है वो क्या हुआ है, पहले पी ए प्रेशर था बाद में पी नॉट ए हो गया, तो वो डिफरेंस होगा पी नॉट ए माइनस पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये दो इक्वेशन बन के आ जाएंगे। अब इन्हीं के माध्यम से आर एल बी पी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आर एल बी पी का फॉर्मूला हमको पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, याद आ रहा हो, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, यही फॉर्मूला होता है। अब पी नॉट ए माइनस पी ए इज वाई, और पी नॉट ए कैसे निकालेंगे, तो पी नॉट ए माइनस पी ए इज वाई, तो पी नॉट ए माइनस पी ए प्लस पी ए कर देंगे तो ये जगह पी नॉट ए, तो इसको क्या ले सकते हैं एक्स प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो एक्स प्लस वाई, ये हो गया आर एल बी पी। अब क्वेश्चन किस तरह से होता है, क्वेश्चन इस तरीके से होता, अब मैं देखिए ये आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कैसा होता, क्वेश्चन ऐसा होता कि ड्राई एयर पास इन कंटेनर वन, वेट लॉस इन कंटेनर वन इज एक्स ग्राम, एक्स ग्राम को मालूम बोल दिया कि 5 ग्राम, ध्यान देना वेट, देन अगेन दैट मॉइस्ट एयर पास फ्रॉम कंटेनर वन टू कंटेनर सेकेंड एंड द वेट लॉस इज वाई ग्राम, और वाई ग्राम का मान लो किसने बोल दिया कि 3 ग्राम, बोलेगा आर एल बी पी क्या होगा, तो यही है, अब एक्स और वाई की वैल्यू सीधे मिल गई है, तो क्या हो जाएगा, वाई इज 3, एक्स क्या होगा 5, तो 5 प्लस 3 यानी 8, आंसर इज 3/8। ओके, तो सीधे यही चीज आपको बस समझना था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब इसमें क्या देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, पहले वाले में क्या था, अब इस बार जो कंटेनर वन में ले रहा हूं इसमें डाल दे रहा हूं सॉल्वेंट, और इसमें क्या डाल रहा हूं, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट डाला, इसमें क्या डाला, सॉल्यूशन डाला, ठीक, दोनों आपस में कनेक्टेड है। वेपर प्रेशर इसका कितना होगा बेटा, पी नॉट ए, और इसका क्या होगा पी ए, आपको पता पी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए। अगेन यहां से ड्राई एयर क्या करिए आप पास करिए, तो पहले क्या क्या होगा वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्या होगा। इस बार ड्राई एयर पास किया तो ड्राई एयर आपका अंदर गया, ये ड्राई एयर अंदर गया पास होकर, जब बाहर निकला तो एडिशनल प्रेशर कितना होगा इसके अंदर, तो वो हो जाएगा पी नॉट ए हो जाएगा एक्स्ट्रा, अब ये मॉइस्ट हो चुका है। फिर ये ड्राई एयर कंटेनर वन से, अच्छा तो सबसे पहली चीज की जब पहले कंटेनर में क्या होगा, क्या होगा यहाँ, वेट लॉस होगा कि वेट गेन होगा, तो जाहिर सी बात है पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो पहले में क्या होगा, पहले कंटेनर में वेट लॉस होगा क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ गया ना, एडिशनल बढ़ गया, तो वेट लॉस इन कंटेनर वन, और मान लीजिए वो दे रखा है एक्स ग्राम। अच्छा सेकेंड कंटेनर में वेट लॉस होगा कि वेट गेन होगा, अब ये समझना हम लोग है, तो घुसा पी नॉट ए, घुसा पी नॉट ए, और जब निकला तो देखो निकलते हो क्या होगा, जो उस कंटेनर का वेपर प्रेशर होगा वही प्रेशर हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा बेटा पी ए हो जाएगा। अब बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि घुसा तो पी नॉट ए, निकला पी, और पी नॉट ए क्या है, पी ए से ज़्यादा है, तो यहाँ क्या हो रहा है सेकेंड कंटेनर में, कि पहले से जब सेकेंड कंटेनर में गया तो प्रेशर घट गया, प्रेशर घटने का मतलब क्या है कि मास भी घटेगा, मतलब समझ रहे हो ना, मास घटने मतलब क्या है कि वेपर फॉर्म में मास घटेगा, तो वेपर फॉर्म में मास घटेगा यानी लिक्विड फॉर्म में मास क्या होगा बढ़ेगा, तो इस केस में क्या होगा कि वेट क्या होगा गेन होगा इन कंटेनर सेकेंड, और वो कितना है वाई ग्राम है, समझ में आया ना, तो यहां वेट गेन हो गया, यहां वेट लॉस नहीं हुआ क्योंकि सॉल्वेंट में ऑलरेडी वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन में जाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो गया है, तो उल्टा क्या होगा वेट का लॉस होगा, यहां तक क्लियर। तो ये आपको दिया होगा कि वेट लॉस इन कंटेनर वन इज एक्स ग्राम, वेट गेन इज कंटेनर इज वाई ग्राम, तो बताइए आर एल वी पी क्या होगी। अब आर एल वी पी करने से पहले तो अब ये इंफॉर्मेशन यहां तो, अब ये क्वेश्चन हो गया कि ये इंफॉर्मेशन आपको दिया होगा जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया हूं,
अब वो क्या बोलेगा, ये एक्स और वाई की वैल्यू दे देगा। अब आपको पहले रिलेशन लिखना होगा, पहला क्या होगा, अब पी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, इक्वेशन नंबर वन। और दूसरा क्या होगा, तो पी नॉट इज वेट गेन हुआ है, तो क्यों गेन हुआ है, तो भाई पी नॉट ए से पी ए में गया है, तो अगेन दूसरा भी जो क्या होगा वो पी नॉट ए माइनस पी ए होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन वाई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है ना। यही दिखना है, ऊपर वाली बात आपको गिवन होगी। तो आर एल वी पी क्या होगा, वो क्या होता है बेटा, तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, तो क्या हो जाएगा सीधे वाई बाई एक्स। अब वाई और एक्स की वैल्यू दी होगी, तो आप क्या कर लेंगे, से आर एल वी पी निकाल लेंगे। मान लीजिए एक्स की वैल्यू दे रखी है 5 और वाई की वैल्यू 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/5। तो यहां पर ये जो रिलेशन जो मैं लिख रहा हूं, ये रिलेशन ये ही समझना है कि मैंने कैसे लिखा, ठीक है ना। देखिए बस ये सॉल्वेंट पहले कर दिया, सॉल्यूशन ये कर दिया, तो रिलेशन ये आ रहा है। और इसमें क्या है, सॉल्यूशन पहले है सॉल्वेंट बाद में है, तो रिलेशन ये आ रहा है। और बात भी बदल रही है कि इसमें दोनों में लॉस हो रहा है, और इसमें पहले में लॉस हो रहा है दूसरे में गेन हो रहा है। तो जब भी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएगा, गैस पास करेगा, तो हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाएगा तो वेट क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। और सॉल्वेंट, समझ में आ रही थी बात, ओके। तो बस यही बात आप लोग को, आपको समझना था, ठीक है। ओवरऑल क्या इसको हम निकाल, कॉन्सेप्ट क्या बना सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल कि कब क्या ऑब्जर्व होगा, कब गेन होगा। तो बस जो कॉन्सेप्ट है वो, कि मालिक फर्स्ट और सेकंड कंटेनर के, फर्स्ट कंटेनर में हमेशा ही क्या होगा, जब भी आप ड्राई गैस फर्स्ट कंटेनर डालेंगे तब तो वेपर प्रेशर वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब ही करेगा। और जो वेपर को एब्जॉर्ब किया है, तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन में वेट का क्या होगा, लॉस होगा। तो फर्स्ट कंटेनर में हमेशा ही वेट का लॉस होता है, चाहे वो सोल्यूशन हो चाहे सॉल्वेंट कुछ भी हो। लेकिन जब सेकेंड कंटेनर में जाएगा, तो वेपर जो है, वेपर के दो केस हो सकते हैं, वेपर एब्जॉर्ब भी हो सकता है और वेपर लॉस भी हो सकता है। वेपर एब्जॉर्ब होगा तो मास क्या होगा, मास वेपर एब्जॉर्ब होगा तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, लॉस होगा। और वेपर अगर लूज करेगा तो मास क्या करेगा, गेन करेगा। इतना समझ में आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि प्रेशर पी वन है कंटेनर वन का, प्रेशर पी टू है कंटेनर टू का, तो ये कैसे सीधा प्रेशर कैसे लॉस करेगा, यानी कि पी वन का प्रेशर क्या है, अगर वेट लॉस कैसे करेगा, तो जो P1 का प्रेशर है वो P2 से अगर क्या है, कम है, तब लॉस करेगा। और P1 का प्रेशर क्या अगर P2 से ज़्यादा है, तब वो क्या करेगा, गेन करेगा। तो एक सिंपल इस चीज़ को मैंने इस फॉर्म में कर दिया, ओके। अब जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, अगेन ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, आपका सोल्यूशन है। ड्राई एयर क्या कर रहे हैं बेटा, पास करा रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अब देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज क्या करो, पी नॉट ए हो जाएगा इसका, और इसका क्या होगा, पी ए होगा, वेपर प्रेशर, इतना तो क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि चार सी बातें, पहले में क्या होगा, वेट लॉस ही होगा, वेट लॉस जो है वो क्या है सोल्यूशन में, एक्स ग्राम का है, और ये आपका जुड़ा हुआ है। क्या निकलेगा तो क्या होगा, ड्राइयर आया अंदर घुसा, बाहर निकला, बाहर निकल तो क्या होगा, प्रेशर इसका पी नॉट ए होगा, ड्राइयर आगे बढ़ता जाएगा, इस सोल्यूशन निकलेगा, बाहर निकलेगा तो क्या प्रेशर होगा बेटा, बाहर निकलेगा तो जो प्रेशर सोल्यूशन का होता है वो पी ए हो जाएगा, ओके।
अब इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कुछ कर दिया कि इसने यहाँ पे जाहिर सी, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ क्या होगा सोल्यूशन वाले में, यानी कंटेनर सेकेंड में, इसको कंटेनर वन कह रहा हूँ और इसको अगर सेकेंड कह रहा हूँ तो लॉस होगा कि गेन होगा, लॉस होगा कि गेन होगा, बताइए, है ना। तो पहले कंटेनर में प्रेशर ज़्यादा है, दूसरे कंटेनर में प्रेशर कम है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे गेन होगा, क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक और नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें नई बात क्या आ गई कि इसमें अब ये जो अगला इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर एक ऐसा इक्विपमेंट लगा दिया जिसका नाम है क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या काम है डिहाइड्रेट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेट, अच्छा जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा देंगे तो अब एयर फिर से क्या हो जाएगा, निकलेगा जो वो ड्राई, कोई इसका काम ही क्या है, डिहाइड्रेट करना नहीं, पानी निकाल लेना। तो इसने सारा पानी निकाल लिया, तो सारा पानी निकाल लिया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तो क्या होगा, मास हमेशा गेन ही होगा, और मान लीजिए वो मास गेन क्या दे रखा है, वाई, ठीक है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तो अब क्या है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी नॉट ए वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा, इक्वेशन नंबर वन। अच्छा जो भी y दे रखा है, ये y कौन से वाटर की गेन की बात कर रहा है, तो ये y कर रहा है कौन सी वाटर की बात, गेन की, जो सोल्यूशन सेकेंड के बाद का बचा हुआ है। तो सोल्यूशन सेकेंड में कितना पानी अल्टीमेटली एब्जॉर्ब हुआगा, तो वो जाहिर सी बात है क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। बस ये दो चीज लिख दिए और x और y की वैल्यू प्रॉब्लम में से गिवेन होगी, तो बस अब यहाँ से करना है आर एल पी पी, वो क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, उत्तर क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए यानी वाई बाई एक्स। तो क्वेश्चन वन, मतलब कि अभी जो पुराना जो क्वेश्चन था ये वाला, ये दोनों बिल्कुल क्या सेम ही है, बस इसमें नया काम क्या मैंने किया कि इसमें मैंने पहले वाले में सेकेंड कंटेनर का सीधे ही वेट गेन मैंने बताया था, और मैंने सेकेंड कंटेनर का वेट गेन न करके एक मैंने नया इन्फॉर्मेशन क्या दे दिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ऐसा भी दे सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसमें वही इंपॉर्टेंट बात क्या, ये रिलेशन लिखना, बस ये रिलेशन लिखने आना चाहिए, यही समझना था, और ये समझ गए आर एल बी पी का फॉर्मूला पता है, फिर रिलेशन के हिसाब से आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू वहाँ गिवेन होगी और आपको वो लिख देना है, ओके। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और इसके क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। थैंक यू बेटा।